मीडिया 100 टीम की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से मैं रीना चौहान, जिला अध्यक्ष, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। आगरा के जन नेता माननीय महापौर जी ने आगरा शमशाबाद मार्ग पर प्राचीन राजेश्वर मंदिर से लगी हुई गली में भूपेन जैन के मकान से विकास साड़ी सेंटर तक नाली व इंटरलॉकिंग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर माननीय मेयर साहब ने कहा कि उन्होंने वादा किया था जो शहीद कौशल रावत कुमार शहादत को नमन करने उनके घर जा रहे थे, तब क्षेत्रीय लोगों ने नवीन युवा संगठन के अध्यक्ष श्याम सोले ने वशिष्ठ के साथ मुझे रोका था और मंदिर से लगी ये गली दिखाई थी जो उस समय बहुत ही खराब हालत में थी। आज ये गली बनकर तैयार है। इस मौके पर माननीय मेयर साहब ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये वचन भरवाया कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस पर एक पेड़ मैट ट्री गार्ड लगाएंगे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवीन युवा संगठन के अध्यक्ष पंडित श्याम सलोने वशिष्ठ, वार्ड 36 पार्षद पति मनोज शर्मा, नवीन युवा संगठन के महामंत्री रिंकू जैन, छावनी मंत्री भूदेश लबानिया, उपाध्यक्ष मुन्नू गौतम, उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे, गौरक्षा क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण पंडित, ओम पंडित, भूपेन जैन, आशीष पाठक, रामू पचौरी आदि क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। मीडिया 100 न्यूज से ब्रजमोहन निगम की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में जगह जगह खोदा जा रहा है, तो क्या वो नियम व मानदंड के हिसाब से सही है या ऐसा कोई आदेश है इनके पास लिखित में? देखिए, विकास निरंतर प्रक्रिया है और विकास उतना भी रहना चाहिए। अब पानी हमें घर घर पहुँचाना है या हमें सीवर लाइन का कनेक्शन घर घर देना है तो खुदाई करना आवश्यक भी होता है, लेकिन क्या हो रहा है कि खुदाई की अनुमति बदल दी है जंगल विभाग से। कुछ लोग, कुछ विभाग अपनी डायरेक्ट खुदाई करना जल्दी से शुरू कर देते हैं तो जो पानी की पाइपलाइन नीचे होती है वो फट जाती है। कई उदाहरण होंगे, नेहरू नगर में हुआ, एक आगरा किले के पास का उदाहरण है जिसके कारण से लाखों लोगों को पानी पीने से वंचित हो। कई जगह सर ऐसा है कि चार चार महीने पहले खुदाई हुई है, अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया। गलत है, आप हमें बताओ और जल निगम के द्वारा सीवर लाइन का काम चल रहा है और मेरे को बताइए, अभी हमने देखा बोलना में जाके खुदाई हमें पेट्रोल और आस पास के एरिया सबको मैंने टाइट किया हुआ है। मैंने ये आपकी रिपेयरिंग जरूर करी है, हमें पेट्रोल पंप का मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर वो काम चालू हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। और वहाँ पर सीवर लाइन बनाई हुई थी और मिट्टी के कारण से कई एक्सीडेंट स्लिप हो गए, गाड़ियाँ व्हीकल स्लिप हो गए, वो भी मैंने उनको कहा है कि उसको रिपेयरिंग करके ठीक करें, तो मुझे लगता है कि धीमे धीमे करके ठीक हो जाएगा। बरसात का समय है, थोड़ा सावधानी से आप लोगों को चलना पड़ेगा सड़क पर जब भी निकले। मेरा अनुरोध है शहर की जनता से, सड़क पर जब भी निकले तो देखभाल करके निकले। सड़क पर पानी भरा हुआ है, पानी में हो सकता है गड्ढा हो तो बच के निकले, गड्ढा नहीं होना चाहिए, टूट भी जाती है। पानी और सड़क दुश्मन है तो सावधानी से निकलने का काम है। बरसात का समय एक महीने के लिए और बाकी जो शहर के विकास के लिए जो समस्या आएंगी आप लोगों के द्वारा बताइए उसे हम करें। सर, आगरा शहर एक घंटे की बारिश नहीं झेल पाता है, इस संबंध में नगर निगम की आने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, हमने जब मैं मेयर बना 2.5 वर्ष पहले तो जितने भी नाले नालियाँ थी कगैया इसी बनी थी, उनकी साइज बहुत छोटा था। 5 और 7 लाख की आबादी थी आज से करीब 30 वर्ष पहले, 35 साल पहले, उसी आबादी के हिसाब से नाले नाली ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ। मैंने मेयर बनने के बाद अनेकों स्थानों को नालियों को तुड़वा कर ज़्यादा चौड़ी नाली बनाई, गहरी नाली बनाई, नाले के साइज था उसे चौड़ा किया, गहरा किया और सारे 8 फीट के नाले बनवा रहा हूँ। कोई तकैया ईट के नहीं, कोई ईट का नाला नहीं। अब जो भी नाले बनेंगे सब सीमेंटेड नाले बन रहे हैं और वो कार बहुत तेजी से हमने किया है। कोठी मीना भैया का आप नाला देखिए, कितना बड़ा चौड़ा नाला हमने बनवाया है। आप रोशन मोहल्ले में कितना बारिश के कारण से एक एक मंजिला डूब जाती थी, मामले बिल्कुल मंटोलो नाले पे जो अतिक्रमण था इंक्रीमेंट था उसे हटा के एक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया है। आगरा के अंदर कई ऐसे स्थान नगर निगम सूर सदन के सामने पानी भरता था, जहाँ पर रामनगर कॉलोनी वहाँ पानी भरता था, आज कहीं पानी नहीं है। अब मेरा कहना यह है, जैसे मान लीजिए 1 लाख लीटर एक घंटे में पानी निकालने की कैपेसिटी है नाले नालियों की, अगर 2 लाख लीटर पानी पड़ गया
तो 1,00,000 लीटर सड़क पर रहना, उसे निकलने में घंटे 2 घंटे का समय लगेगा। उसे जल भराव नहीं बोलेंगे, जल भराव उसे बोलेंगे कि 24 घंटे तक पानी नहीं निकला, उसे जल भराव बोलूँगा मैं। मेरे 2 पॉइंट हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, एक ग्वालियर रोड पर है जहाँ पानी कई कई दिन तक भरा रहता है, उसके लिए मैंने 17 करोड़ रुपये का नाला स्वीकृत किया है, अगले बारिश तक वो नाला बन के तैयार हो जाएगा। वो क्षेत्र ग्वालियर रोड में दावे के साथ कह रहा हूँ अगले वर्ष तक मैं जल भराव मुक्त कर दूँगा। अजीत नगर खेरिया पर भी जहाँ पानी जल भराव की समस्या है, इस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है, कोशिश करूँगा कि अगले बरसात तक वहाँ भी जल भराव ना हो। और छोटी मोटा कहीं कोई जल भराव कुछ घंटों के लिए होता है तो वो तो होगा, बारिश की कैपेसिटी कितनी है, किस तेज़ी से पानी आ रहा है तो वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी आगरा को जल भराव मुक्त मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, 5 वर्ष के अंदर जितने ड्रेनेज सिस्टम छोटी गलियों में नाले हैं, नालियाँ हैं, उनको मैं बड़ा साइज पे करूँगा, घरे करूँगा, ये 5 वर्ष के अंदर मैं इसे पूरा करके योजना बना दूंगा इस प्रकार से कि 5 वर्ष बाद कहीं भी एक भी पानी नहीं रुकेगा। सर कुछ क्षेत्रीय पार्षद ऐसे हैं बस चुनाव के समय ही बाहर निकलते हैं, बाकी कोई जनता का हालचाल नहीं पूछते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे या उन्हें कुछ समझाना चाहेंगे? कहना है कि देखिए पार्षद बहुत ही मेहनत करने वाली छोटी सबसे छोटी इकाई का पार्षद होता है, चाहे पुलिस की समस्या है तो पार्षद, मरीज हो बीमारी घर में आ गई तो पार्षद जी कौन से डॉक्टर को दिखाए, घर में नाली खरीदने की समस्या आती तो पार्षद, ट्यूबलाइट सब पार्षद, लेकिन क्षेत्र भी बड़ा होता है। अब पार्षद को सपने नहीं आते हैं कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति की क्या समस्या चल रही है, तो कभी कभार अगर कोई समस्या आती है तो स्थानीय पार्षद से भी संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या को बताना। बहुत से लोगों की समस्या है कि वो घर से मना ही कर देते हैं, ऐसा करते हैं, मेहनत करते हैं थोड़ी।